अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीदें खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहने और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो रात अबू जी का चेकअप करवाया था, तो उन्होंने कोई और मसला बता दिया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो ना उन्होंने किया था, तो कोई और मसला बता दिया। तो उन्होंने कहा है कि भावलपुर से आप चेकअप करवाएं, वो सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन होता है वो, अल्ट्रासाउंड में अगर चीज़ वाजे ना हो ना तो वो सिटी स्कैन करवाना पड़ता है। तो आज शाहिदुल इस्लाम हमारे इधर भावलपुर के करीब है, एक हॉस्पिटल है, तो इंशाल्लाह मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो वो करवाने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ, तो आज वो करवाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद फिर वो बताएंगे डॉक्टर साहब के ऑपरेशन किस टाइम कर, कल का वो कह रहे हैं मसला है, पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो अब वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अल्लाह ताला करम करे जो ना अब जी ठीक हो जाए। क्योंकि इंसान को जब पता चलता है कि इंसान को पता नहीं क्या हो गया, इस बात का पता ही नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अच्छा, तो अल्लाह ताला जो है ना करम करे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे आपके साथ है, आपको क्या हो गया है? तो कुछ नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने बेगम को सुबह सुबह बोला, मैंने कहा आज पिज्जे का मूड है, पिज़्ज़ा खाना, क्योंकि मैं तो लोधरा जा रहा हूँ, यहाँ से पिज़्ज़ा अच्छा नहीं मिलता, वहाँ से अच्छा मिल जाता है। तो कोई जवाब ही नहीं दे रही, वैसे हमारी लड़ाई चल रही है 2-3 दिन से। चलेंगी, कल तंदूरी लगाई थी लेकिन उसमें आग नहीं जलाई थी, अभी उसमें सब्ज़ कलर का जो उसने बटन लगाया था वो ढूंढते, आज मिल ही नहीं रहा है, तो वो लगाते हैं। ये 50 रुपये वाला कौन है? तो आज पूरा दिन उसमें आग जलाएंगे, कल पूरा दिन ही लग गया तंदूरी लगाते हुए और घर का काम खत्म करने में। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह वीडियो आज की बहुत ही अच्छी होगी। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रात मैंने इसको ढाल के रख दिया था, मैंने कहा कि ये नमी पड़े खराब हो, तो आज इसमें आग जलाएंगे। वैसे अगर देखा जाए ना, बहुत ही प्यारी बन गई है ना, पहले वाले से ठीक है, खूबसूरत बन गई है। वो क्या लगाएंगे फिर पता चलेगा। हाँ, तो अभी 2 दिन होता नहीं लगाएंगे, सिर्फ आग जलाएंगे। बात ये है जो है ना, खूबसूरती कुछ नहीं करती इंसान की, ठीक है ना, अमाल अच्छे होने चाहिए। बात मैं भी चाहता हूँ ना आप नाराजगी खत्म कर दें, फिर ऐसी कोई बात भी नहीं है। चलिए जी, ढूंढते हैं कहीं से बटन इसके अंदर लगाते हैं। जो हमारी पुराने तंदूरी थी ना, उसमें हमने ट्राई किया था ये वाला नुस्खा, ठीक है ना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो दोबारा से अब जो है ना, नई जो तंदूरी लगाई है इस पे तो ये लाजमी है, तो इस पे ये लगाएंगे, लगाना, उस पे लगाना पड़ता है। हाँ, शुरू शुरू में, फिर आग जलाएंगे ना, फिर ये पक जाएगी। सही बात है, और इंशाल्लाह इस पे रोटियाँ अच्छी आएंगी। उस पे रोटियाँ तो सही आ रही थी, लेकिन रोटियों में जो है ना मट्टी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, वो अंदर से टूट गई थी, वही वो जो कचरा था ना वो महसूस होता था निवाले में, तो इस वजह से अब दोबारा से इसको इंशाल्लाह कलर आप देखें, ये मौत वाला खूह तो नहीं है। अच्छा, तो जब मौत आएगी तब पता चलेगा ना वो कैसा कुआं होता है। अस्तगफुरुल्लाह, तो
और ये हमारे गांव का रिवाज है, ऐसे ही बनाते ये खून के लिए भी है जो बैड कॉमेंट करते हैं। वैसे बड़ी आग लगी हुई है भाई। अच्छा फजूल टाइम उनके पास भी बहुत है जो बैड कमेंट करते हैं। भला आपके बैड कमेंट मेरी बात सुनो, अच्छा बात सुनो, भला आपके बैड कमेंट करने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है? ये आपकी भूल है, ठीक है, और ये भी आपकी गलत सोच है कि हम यूट्यूब से हटने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपने दिल से, ये आपकी हसरत जिंदगी भर पूरी नहीं हो सकती, सो सॉरी। वैसे आप कमेंट करते रहें, अब फर्क कोई नहीं पड़ना हमें। आपका आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपका कमेंट ब्लॉक हो जाता है, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमारी जो वीडियो चलनी होती है ना वो ज़रूर चलती है। जो बहन भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं ना वो हमें समझते भी हैं, जानते भी हैं, ठीक है। हम एज ए फैमिली उनको ट्रीट करते हैं, और वो हमें एज ए फैमिली जो है ना हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। बाकी जो है ना हेटर्स को हम कोई जवाब देना भी नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए ये डूब मरने का मकाम है कि अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम पे। तो सही बात है। तो प्रीवियस 2-3 वीडियो हमने डाली है ना, तो थोड़ी कार्रवाई को उन्होंने तेज़ की है शायद, पता नहीं। उनको कोई रात को इल्हाम आता है, कोई ख्वाब आते हैं सोए सोए, या गुस्सा आ जाता है। बस काफी है, काफी है, छोड़ो, ज्यादा और नहीं लगाओ। आप कीकर की लकड़ियां का जैसे बनाए वो ही इसमें डालेंगे, कीकर की लकड़ियां। अच्छा, मोटी लकड़ियों कीकर की हो। सही है। ये तो टेस्ट लिखा हुआ है ना, ये टेस्ट करवाना है। आज पहले करवाए तकरीबन 15-20 दिन हो गए, तो दोबारा से वही टेस्ट दोबारा सारे हो गए हैं, ये वही रिपोर्ट है। तो अभी जा रहे हैं शायद इस्लाम में, तो अभी तैयारी कर ली है इन्होंने, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। बाकी जो सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अब आगे क्या होने, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले। वैसे परेशान तो बहुत बड़ी बात नहीं गई है अभी फिलहाल, क्योंकि कुछ सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात भी लेट तक हम इंतज़ार इनका करते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई अभी। अल्लाह ताला बस मेहरबानी करे। तो ये वाली रिपोर्ट अभी अभी साथ लेके जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता, डॉक्टर को पता चलता है कि क्या चीज़ है और क्या मसला है। ये सामने आप बहन भाई देख रहे हैं शायद अलिस्लाम, असल में ये ट्रेनिंग हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे सिटी स्कैन वगैरह भी होता है। तो यहीं पे अभी पहुँचे हैं, तो अब अंदर जाते हैं, रिसेप्शन से टाइम लेते हैं, उसके बाद आप बहन भाई उसे शेयर करेंगे।